नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एंगल वाल्व क्या होता है, इसे कहाँ लगाया जाता है और क्या काम आता है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो गाइस ये है हमारा एंगल वाल्व। गाइस एक पीस लिखा हुआ है, काबा कंपनी का है और इस पर कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है। हम इसे ओपन करते हैं गाइस। ओपन करने के बाद गाइस ये हमारा एंगल वाल्व लिख रहा है। एक बता दूँ आपको, काबा कंपनी का है, बेस्ट क्वालिटी एंगल वाल्व है विथ ब्रास। गाइस ये ब्रास का एंगल वाल है और इसकी जो डिक्स है वो आपको सामने दिख रही है, वो पीतल की डिक्स है, जो छोटी वाली मीडियम डिक्स जिसे बोला जाता है वो इसके अंदर अवेलेबल है। हाफ टर्न काम करता है गाइस। एंगल वाल सबसे बेस्ट लगा मुझे। अगर आपको कोई भी एंगल वाल लगाना हो, कभी महंगा एंगल वाल नहीं लगाइए। आपको एंगल वाल लगाना है ब्रश का, लेकिन बेस्ट क्वालिटी एंगल वाल लगाइए। एंगल वाल क्या काम करता है, हमारे जैसे कि वॉश बेसिन में जो कनेक्टर द्वारा पानी जाता है टूटी में, वहाँ आपको कभी टूटी रिपेयर करनी होती है तो एंगल वाल को बंद कर दिया जाता है। ये ओपन होता है, उसे बंद करके आप वॉश बेसिन की जो टूटी होती है, नल होती है, उसे रिपेयर कर सकते हो। गीज़र में काम आता है, गीज़र में ऑन ऑफ के लिए, गीज़र में जहाँ से पानी जाता है, गर्म पानी ठंडा पानी, वहाँ ये काम आता है। क्योंकि गीज़र चलाते वक्त, रिपेयर करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो पानी बंद करके हम रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस एंगल वाल का उपयोग जान सकते हो। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको इस वीडियो में देख के पता चल गया होगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे पहले इसके प्राइसिंग बता दूं, इसके प्राइसिंग 350 रुपये जो विद ब्रास है, और मार्केट में ये 500 से 1000 1500 जिस मॉडल का लेना चाहो, जितना हैवी लेना चाहो उतना मिल जाएगा। लेकिन हमेशा एंगल वाल लाइट मीडियम ही लगाना चाहिए, इतना हैवी लगाना नहीं चाहिए। कम यूजेज आता है तो आप ब्रास में अच्छी क्वालिटी का एंगल वाल लगा सकते हो। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।